आज हम यहाँ पर बना रहे हैं सूजी से एक बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी, जिसके लिए यहाँ पर मिल लिया आधा कटोरी सूजी और स्वाद अनुसार डालूंगी इसमें नमक 1/4 टेबल स्पून है, थोड़ा सा जीरा और ये लाल मिर्च जो होती है सूखी हुई, उसके हमने थोड़े से छिलके ले लिए, उसके अंदर से हमने इसके सारे बीज निकाल दिए हैं, खाली हमारे को उसका कवर कवर चाहिएगा। और यहाँ पर मैं इनो सॉल्ट ले रही हूँ, इसमें से डालूंगी मैं आधा चम्मच इनो सॉल्ट। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया है खट्टा मट्ठा, आपके पास मट्ठा है तो मट्ठा ले लीजिएगा, अगर दही है खट्टी तो खट्टी दही ले लीजिएगा। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा ये मट्ठा डाल के इसका एक डो लगाएंगे, आपको सारा एकदम से नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। यहाँ पर थोड़ा सा मट्ठा हम ले रहे हैं, बहुत बढ़िया रेसिपी बनती है, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत आसान है। देखिए अभी हमने इसे ऐसा ही मला है, ज़्यादा हम इसे और पतला नहीं करेंगे, हमारा इतना मट्ठा इसमें से बच गया है। अब इसे हम रख देंगे एक तरफ और इसको मैं 5 से 7 मिनट के लिए गैस पे छोड़ दूंगी, जिससे ये थोड़ा सा सूजी हमारी फूल जाए। इसे हम ढक के छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, आटे को हमने रेस्ट के लिए छोड़ दिया था, देखिए बिल्कुल सेट हो चुका है, आपको इसको थोड़ा सा हाथ से सेट कर लेना है। अब आपको यहाँ पर एक प्लेट ले लेनी है, उसको हल्का सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लेना आपको। ऐसे आप अच्छी तरह से चारों तरफ से इसको ग्रीस कर लीजिएगा और आप थोड़ा सा ऑयल हाथ पे लगा के इसके आपको छोटे छोटे गोले बनाने हैं, थोड़ा सा ऑयल हाथ पे लगा लीजिएगा। उसके आपको छोटे छोटे गोले बना लेने हैं। और इन्हें हम प्लेट पे रखते जाएंगे। इसी तरह से हम सारी इनकी बॉल्स तैयार कर लेंगे बना के। देखिए यहाँ पर हमने सारी बॉल्स बना के तैयार कर ली है। यहाँ पर हमने एक भिगोने में 2 से 3 गिलास पानी लेके इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। अभी जब ये पक जाएगा तो उसके हम स्टीम करेंगे जो हमने बॉल्स बनाई है। यहाँ पर देखिए पानी पकने लगा है। अब हमने ये जो बॉल्स तैयार करके रखी थी प्लेट में, इसके ऊपर रख देंगे हम। और आप जब इसको ढकेंगे तो आपको कोई गहरा बर्तन यूज़ करना है, बिल्कुल ऐसा ना हो कि वो फ्लैट हो जिससे वो बॉल्स दब जाएं। आपको थोड़ा सा देखिए ये ऊंचा है तो हमने इसको थोड़ा सा ढक दिया है। अब इसे मैं 6 से 7 मिनट के लिए स्टीम करूँगी। देखिए 7 मिनट हो चुके हैं, अब इनको हम चेक करेंगे। ये हल्के हल्के से हमारे फूल गए हैं, आप ऐसे टूथपिक लेके इनको चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही पक चुके हैं। देखिए बिल्कुल भी इसमें कच्चा लग के नहीं आया, ये कितना स्पॉन्जी हो रहा है आपको दिख ही रहा होगा। तो इसे हम गैस बंद कर देंगे, इसको हम ठंडा कर लेंगे थोड़ा सा पहले। यहाँ पर कढ़ाई में हमने 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल ले लिया है, इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी लाल वाली राई। अब इसे हम थोड़ा सा तड़कने देंगे, फ्लेम को हमने तेज कर दिया है, जब ये थोड़ी तड़क जाएगी तो इसमें हम ये इन बॉल को डाल के फ्राई करेंगे। यहाँ पर राई तड़कनी शुरू हो गई है, इधर हम डालेंगे हरी मिर्च, हरा धनिया, आप इसमें करी पत्ते का भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप चला लीजिएगा। अब यहाँ पर ये हमारी बॉल्स ठंडी हो चुकी हैं, इन्हें हम इसमें डाल देंगे। अब इसे आपको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके मिक्स करना है, चम्मच से नहीं चलाना।
हल्का हल्का सा बीच में ऐसे इसमें सारा जिसमें मसाला लग जाए जैसे, इसलिए ऐसे इसको करके आप पलट लीजिएगा। और जब ये थोड़ी सी भुन जाएंगी 1 से 2 मिनट के अंदर, तो हम इन्हें बंद कर देंगे। ये देखिए हमारे सूजी के बॉल्स बनके तैयार हैं। सॉफ्ट सॉफ्ट मज़ेदार और झटपट रेसिपी है ये, कितनी प्यारी लग रही हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। देखिए कितना प्यारा लग रहा है और बहुत जल्दी बनने वाला एक नाश्ता है ये, कितनी जल्दी बन गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी।